हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून अनुज। तो गाइज, आज के क्लास में, गुड आफ्टरनून मानन, आज के क्लास में जो है हम डाउट डिस्कस करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस रह गए थे डिस्कस करना, जो प्रीवियस वीक में आपको होमवर्क मिला था, वो तो क्वेश्चन नंबर में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 325 से 352, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो शीट आपको मिली थी उसमें ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सर्कल की जो शीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 160 तक हमने डिस्कस किया था। 161 से 169 नाइन क्वेश्चन हमारे रह गए थे डिस्कस करना। तो जो सर्कल की आपको शीट मिली है उसमें से ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन, कोई भी आपको डाउट है वो चेक कर लेंगे। उसके बाद सर्कल की जो शीट है उसमें का जो ये जो सेट है 161 से 169 वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, कूल। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 330? 330 तक कोई डाउट? शिवम अनम्यूट कर लो। यस सर, क्वेश्चन 330 में डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 330 में डाउट है गाइस। क्वेश्चन हाँ नंबर 330 चेक करो। ओके, ठीक है। आपको एन की वैल्यू फाइंड करना, एन इंटीजर है। ओके, अच्छा ठीक है, गिवन इज एन इंटीजर, ठीक है। ओके, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 330 आपको एज्यूम कर लो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज रिटन एज 1√3 आई अपॉन 1 − √3 आई होल रेज टू पावर एन, ये लिखा हुआ है। शिवम एक बार चेक कर लेना। यस सर, ये लिखा है। ओके, फिर मैंने इसको ये आपको किया, एन की मतलब वैल्यू, हाँ मल्टीप्लाई आपको एन की किया। वैल्यू फाइंड करना है। मैं ऑप्शन दे, ऑप्शन बेसिकली क्या दिए आपको, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए और कुछ नहीं, 1 2 3 4। अच्छा, अब एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, उसके मतलब कंडीशन भी कुछ दिया है। तो जेड ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज बेसिकली एन इंटीजर इंटीजर, करेक्ट। जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली इट इज एन इंटीजर। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच जेड इज एन इंटीजर। क्वेश्चन क्लियर है शिवम? सर। ओके, आपने ट्राई कैसे किया क्वेश्चन? पहले सर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और फिर -1 ठीक +√3 i अपॉन 2 द होल रेस टू n आया। उसके बाद है, कैसे ओके करने का पता नहीं। चलेगा, ठीक है। देखो एक मेथड ये, मतलब आपके मेथड से भी देख लेंगे अगर जरूरत रही तो, मतलब आपको अगर लगता है उससे भी सॉल्व करना माइट भी, आप एन की वैल्यू पुट करके भी सोच सकते हो कुछ। एक तरीका ये है सोचने का कि मैं क्या कर लेता हूँ इसको, मतलब पोलार फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। मतलब वो कॉस थीटा साइन थीटा वो सोच सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख डिवाइड देता हूँ, ठीक है। बाय 2 करना पड़ेगा। हाँ, डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा या सिंपल आर सी स्क्वायर। तो आर फाइंड कर लेता हूँ, आर तो 2 आ जाएगा, √x² + y² आर तो 2 आ गया ना, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 + √3 आएगा। और थीटा कितना आ जाएगा, क्या थीटा π/3 आ जाएगा, चेक करो। y/x फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट 1, √3, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, √3/1, हाँ बराबर, ठीक है। लिख के बताओ ये क्लियर हो रहा है? हाँ समझ गया सर। ओके, ठीक है। बस तो न्यूमेरेटर ये आ गया। ऑब्वियसली देखो डिनोमिनेटर उसका कॉन्जुगेट है, तो क्या डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं? ओके, ठीक है। अब ये एन और एन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी आर और आर, मतलब वही 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच जाएगा? अच्छा, ये दो एंगल ऐड हो जाएंगे, बेसिकली यहाँ पे 2π/3 आ जाएगा। ये ध्यान में आ रहा है, ठीक है। ओके, अब नहीं क्या आपका जो थियरम है उसको यूज करके क्या हम ऐसे लिख सकते हैं?
ओके ठीक है, अब इसको बस कॉस साइन के फॉर्म में लिख रहा हूं और कुछ नहीं, तो कॉस 2n पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2n पाई बाय 3। अब आपको क्या बोला है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जेड एक इंटीजर है तो ऑब्वियसली बात है उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट जीरो होने के बाद ये पार्ट आपका इंटीजर आना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, लाइक 2/3 4/3 ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कौन से एन के लिए लग रहा है साइन जीरो हो जाए, 3 के लिए, ओके। और अगर मैं एन की वैल्यू 3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे कॉस 2π आ जाएगा, कॉस 2π कितना आता है, 1 आता है, कॉस 2π/3 हाँ बराबर 1 आता है, तो 1 आ गया, तो मतलब इंटीजर आ रहा है तो आपकी एन की वैल्यू 3 होगी। मेरे मेथड से कैसा होगा जब मैंने आपके किया, मेथड से भी देख लेते हैं, आपके मेथड से आपने क्या किया उसको रैशनलाइज कर दिया, राइट, हाँ वही, हाँ सॉरी रैशनलाइज बोलो, सॉरी हाँ कॉन्जुगेट, ओके ठीक है। तो जेड जो है, हाँ जेड कितना आ गया बोलो, जेड मेरे को आया था कितना, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2, ठीक है, उसका पावर एन आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर आपको याद होगा 1 के हमने क्यूब रूट फाइंड किए थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये तो उनमें से एक वैल्यू लग रही है क्या, sis 5/3, ठीक है, तो ये ध्यान में आ रहा है क्या आपको, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर उसमें से जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिट था उसकी एक वैल्यू है, तो इसको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं, मान लो मैं उसको अभी के लिए ओमेगा बोल रहा हूँ, तो क्या जेड ऐसा लिखा है ओमेगा का पावर एन, हेलो ओके समझिए, ध्यान में आ रहा है ना आपको क्यूब रूट याद है ना 1 के, हाँ सर ठीक है, तो उसमें से ये दिख रहा है ना एक क्यूब रूट, मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है 1 का, हाँ ठीक है, ओके, तो ओमेगा बोल दिया उसको अभी के लिए, तो ओमेगा का पावर एन है। अब एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इसमें से क्या ले कि एक इंटीजर बन जाए, तो 3 ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। अच्छा अभी समझ, ओके मतलब ऐसे कर, क्लियर हुआ ये मेथड, थैंक यू, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये स्टेप पे जैसे आप बोल रहे थे सर इसको हम सिर्फ 2π/3 लिख सकते हैं, तो वो भी कर सकते हो, ओके ठीक है, तो शिवम क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको 330, ओके ठीक है, चैट में लिख, हाँ ओके ठीक है, ओके 331 में भी डाउट आ रहा है, यस कैन यू रेज योर हैंड, यस अनम्यूट कर लो, यस सर, ओके गाइस क्वेश्चन 331 चेक करो, ओके अच्छा आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, एक बार देख लेना सही लिख रहा हो क्या, तो 331 आपको सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफाई करके बताना है क्या आ रहा है, मान लो जेड बोल देता हूँ अभी के लिए, तो कितना दिया है √3 प्लस i/2 पावर 6 प्लस i-√3/2 पावर 6 ये दिया हुआ है, ठीक है ओके, तो कैसे ट्राई किया क्वेश्चन, सर मैंने पहले जो √3 प्लस i/2 दिया है उसमें i कॉमन लिया, एंड जो सेकंड वाला है i-√3/2 उसमें -1 कॉमन लिया, फिर वो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आएगा, फिर रेस टू 6 होगा, फिर उसके आगे समझाने कैसे करूं, ठीक है। वैसे आपने आयोटा कॉमन क्यों लिया, तो मतलब आप फर्स्ट इसमें से इक्वल करने का सोच रहे थे क्या दोनों कॉम्प्लेक्स, मतलब ये आप सोच रहे थे, हां मैं इक्वल करने का सोच रहा था, अच्छा ठीक है ओके, मतलब वो इक्वल तो नहीं हो तो दिख रहा होगा आपको है ना, ठीक है ओके, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर लेते, पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं ना, आर और थीटा के फॉर्म में, ठीक है ओके, तो आर तो कितना आ जाएगा, वो तो 1 आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा √3/2 और 1/2 उसका मतलब आप मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करोगे तो 1 आ जाएगा बेसिकली, ये ध्यान में आएगा, यस ठीक है। अच्छा अब एंगल कितना आ जाएगा, तो एंगल जो है बेसिकली आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है √3/2 1/2 कोऑर्डिनेट है, तो y/x 1/√3 आ जाएगा, हाँ
अच्छा तो 1/√3 मतलब कितना एंगल, 30 डिग्री? यस। 5/6? यस। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/5/6 का पावर 6 प्लस, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो भी पॉइंट नहीं समझना है बोल देना, मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब दूसरे में आप चेक करो, मतलब दूसरे को अगर मैं प्रॉपरली लिखूँ तो सेकंड जो है वो क्या लिखा है, -√3/2। उन्होंने ध्यान रखो आयोटा पहले दिया, तो इमेजिनरी पार्ट पहले मतलब दे रहे हो, तो -√3/2 प्लस 1/2 iota, ऐसे मैं सोच सकता हूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर को। हाँ ओके, इसका मॉडुलस कितना हो गया? इसका मॉडुलस इसका 1 आ जाएगा, √x2 + y2 चेक करो ना। हाँ, तो इसका स्क्वायर करोगे 3/4, इसका स्क्वायर करोगे 1/4, ऐड करोगे 1 आ जाएगा, उसका √1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब एंगल लिखना है हमें। ओके, ये तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब सॉरी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सबसे पहले अगर आप चेक करो तो एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। यस, ठीक है, और अगर आप चेक करोगे y/x फिर तो वो 1/√3, मतलब ये कितना आ जाएगा, 5π/6 आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ करेक्ट। यस ओके, एक बार गाइस कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई मतलब आपको डिफिकल्टी हो रही है समझने में, या अगर कुछ गलत भी किया तो आप बता देना, चैट में आप रिप्लाई कर सकते हो। ओके ठीक है, यहाँ तक तो आ गए, इसके बाद क्या करें बोलो। इसके बाद कहीं नहीं आया ना। अच्छा अच्छा, यहाँ तक लिख दिया था आपने एंगल पाई बाय सिक्स। हाँ ये मतलब ये इधर तक मेरे को, मैंने एक्चुअली अलग किया, मैंने आय बाहर लिया, पर ये भी मतलब समझा मेरे को ओके ओके ठीक है ठीक है, वो चलो सिक्स टू सिक्स का जैसे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना? हाँ ओके ठीक है, अब आपका जो थ्योरम है जो प्रीवियस अपन ने क्वेश्चन में भी यूज किया, ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपने स्टडी किया होगा, cos θ + i sin θ power n, where n is an integer, then this expression is get simplified, sorry, this expression is simplified to cos n theta plus i sin n theta. Yes, हाँ यार ये मालूम। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे पावर सिक्स है ना। ओके तो सिक्स ये तो वन है, वन का तो क्या, वन का तो कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तो अगर आप चेक करोगे कितना आ जाएगा, 6π/6 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ वो कट जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 मतलब 6 × 5π/6। हाँ ठीक है, यस तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली, 5 + 5π। ठीक है यस ओके, तो बेसिकली ये आ गया आपका 180। हाँ यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ठीक है, सेम वैल्यूज आ रही है यहाँ पे। अच्छा वैसे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप चेक करो एक तरीके से सेम आ गए, ये भी कितना आ जाएगा, 6π आ जाएगा क्या? हाँ क्योंकि cos 2π + θ बेसिकली थीटा हो जाता है, cos थीटा हो जाता है ना। हाँ मान, यहाँ तक कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लेना। नहीं कोई डाउट नहीं सर, समझो ठीक है वो मैं प्रॉपर, ये आ गया। हाँ ठीक है ये आ गया। ओके अब नीचे अब ये बेसिकली क्या हो गया, cos θ + i sin θ, मतलब cos π + i sin π। मुझे बताओ cos π कितना होता है, cos π इज -1। -1 करेक्ट, और sin π, sin π 0 0, तो ये वैल्यू -1 और ये भी वैल्यू -1। हाँ है ना, तो -2 आपका आंसर आ गया। हाँ आ जाता है। ओके समझा सर। हाँ और वैसे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम हो गए, आपने चेक किया? हाँ वो देखा मैंने। हाँ तो आपने आयोटा जब आपने फिर आयोटा कॉमन लेके सॉल्व किया ना, तो वैसे आपके आने चाहिए थे दोनों मतलब ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में वो देखना होगा, बट वो बाद में चेक कर लेंगे। ये वाला मेथड तो क्लियर है ना आपको? हाँ ये समझा मेरे को, मैंने बस वो ठीक है ब्रैकेट में मेरे को स्टिच लेना बनता था, फिर आ जाता था मेरे को। हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लो आंसर, -2 दिया है क्या? करेक्ट दिया, करेक्ट दिया। ओके गाइस दिस वाज क्वेश्चन 331। आई थिंक नेक्स्ट 333 में डाउट आ रहा है। उन्नति कैन यू रेज योर हैंड, अनम्यूट कर लो उन्नति। यस सर। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 333 चेक करो सभी।
ओके जेड आपको गिवन है, आपको जेड पावर 69 फाइंड करना है। ओके तो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज कर लेंगे जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। जेड इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस आई बाय माइनस टू, आपको फाइंड करना है पावर 69। तो बेसिकली रूट थ्री प्लस आई बाय माइनस टू का पावर 69। ठीक है, कैसे सॉल्व कर रहे हो उन्नति? सर सिस 210 लेके किया सॉल्व। ओके ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ थोड़ा आसान कर लेता हूँ, पावर मतलब वो भी ले सकते हैं 210, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। मैं क्या कर लेता हूँ ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं ठीक है। ओके अब न्यूमरेटर जो है, तो न्यूमरेटर बेसिकली उसको मतलब अगर मैं लिखूँ तो उसका मॉड्यूलस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर आप आर्ग्यूमेंट मतलब चेक करोगे यहाँ पे तो 1/√3 मतलब कितना, पाई बाय 6 आ जाएगा वो। यस सर। ओके ठीक है, कैलकुलेशन चेक करते हैं ना, कुछ गलती हो गई तो देख लेना। अच्छा होल पावर कितना है 69, यहाँ पे माइनस 2 का पावर 69, तो बेसिकली माइनस इंटू 2 का पावर 69 आ जाएगा वो तो। यस सर। ठीक है ओके, अब ये देखो ये तो हो जाएगा 2 का पावर 69, न्यूमरेटर में साइड में लिख देता हूँ, इंटू कितना आ जाएगा सिर्फ 69 इंटू पाई बाय 6 आ जाएगा। यस सर। ओके डिवाइडेड बाय माइनस 2 का पावर 69, तो 2 का पावर 69 वो तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन को साइड में रख रहा हूँ, तो बचा के आपका सिर्फ 69 पाई बाय 6। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 से तो कितना आ जाएगा, 23 पाई बाय 2 ये आ जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेक करो। तो सॉल्व कैसे किया वो मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली जो आपका 23 पाई बाय 2 है उसको मैंने क्या कर दिया, 24 पाई माइनस पाई बाय 2 ऐसा कर दिया। तो जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 पाई माइनस पाई बाय 2। यस सर। ठीक है, जब आप इस पे कॉस, आपको पता है कॉस और साइन दोनों 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं। यस सर। तो कॉस 12 पाई माइनस पाई बाय 2 वो कॉस माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा ना। Yes, सिमिलरली साइन के लिए है ना। अच्छा अब ये जो ये जो नेगेटिव साइन है उसको मैं यहाँ पे पुट करना शायद भूल गया था, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ। अब कॉस माइनस पाई बाय 2, कॉस माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जीरो होती है वैल्यू, सही है। और साइन माइनस पाई बाय 2 कितना होता है, माइनस वन। करेक्ट, तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्लस आयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो आंसर आयोटा आ गया, क्लियर हुआ? चैट में लिख सकते हो। ओके गाइस चेक कर लो, आंसर आयोटा ही दिया हुआ है, और एक बार ये क्वेश्चन चेक कर लो 333। आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके कूल, ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 334। यस अनम्यूट कर लो। यस सर। सर एक सर। हाँ सर, 334 करने से पहले 333 में सर इधर हम जो इधर जो जेड का जो वैल्यू है उसके अंदर अगर हम आयोटा कॉमन लेके ब्रैकेट में माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू ले और फिर वो उसका वैल्यू ओमेगा है तो फिर वैसे कर सकते हैं। हाँ अगर आपको वैसे चेंजेस करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपन वो भी देख लेते हैं, जैसे ओमेगा का अपन ने पहले भी चेक किया था। ठीक है, तो ओमेगा नहीं क्या आप इंक्लूड कर सकते हो, इवन ओमेगा जो है मतलब अगर आप इधर इंक्लूड करना चाहते हो प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप ट्राई कर सकते हो अगर ओमेगा इंक्लूड हो रहा है तो। अब वो क्वेश्चन फिर से देख लेते, तो क्या दिया है,
ठीक है, z इक्वल्स टू कितना दिया आपको, रूट थ्री प्लस आयोटा बाय माइनस टू, ये दे रखा है। अब आपने क्या कर लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, राइट? यस। ठीक है, आयोटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाय टू, माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाय टू, ये आ जाएगा। एक बार आई थिंक बाकी को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि वो कुछ लोग चैट में। ओके ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे आप ये सोच सकते हो, फिलहाल से न्यूमेटर की बात करते हैं, आप आयोटा कॉमन ले तो आप सोच सकते हो रूट थ्री के पास तो आयोटा है नहीं, तो आप क्या करो रूट थ्री ऐसा लिख दो, आयोटा स्क्वायर बाय आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, ये हो गया आपका न्यूमेटर को ऐसा लिखा, सिर्फ न्यूमेटर की बात कर रहे हैं। अभी आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा आपका माइनस वन, तो क्या लिखा है माइनस रूट थ्री आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। अब आप आयोटा कॉमन ले लो, जब आप आयोटा कॉमन लोगे यहाँ पे तो बच जाएगा वन और यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस रूट थ्री आई, ये हो जाएगा, तो ये आपका न्यूमेटर हो गया। ठीक है, अब वो आपने लिख दिया, अब ध्यान रखना डिनोमेटर माइनस टू है, तो जब आप यहाँ पे माइनस टू लिखोगे तो आ जाएगा माइनस वन बाय टू प्लस रूट थ्री आई बाय टू, तो इसको ऐसा लिख दिया आयोटा और ब्रैकेट में लिख दिया हमने माइनस वन बाय टू प्लस रूट थ्री बाय टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाय टू बेसिकली। ठीक है, तो z इक्वल टू क्या आ गया आयोटा, आपको अगर याद है वन के क्यूब रूट, तो इसको हम क्या ओमेगा बोल सकते हैं, तो ये आयोटा ओमेगा आ गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को, उन्नति यस यस बाकी गाइस ओके। अब आपको दिया है z टू दी पावर 69, तो z टू दी पावर 69 को हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आयोटा ओमेगा का पावर 69, ये हो जाएगा, तो वो हो गया आयोटा का पावर 69 इंटू ओमेगा का पावर 69। अब आयोटा का पावर 69 कितना हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, करेक्ट, फोर के इस पे रिपीट करता है, पता है आपको, है ना? हाँ। तो ओके वो आई हो गया, ओमेगा का पावर 69 कितना हो जाएगा, टू डिवाइडेड वो थ्री के इस पे रिपीट करता है, हाँ, तो थ्री से डिवाइड, तो थ्री से डिवाइड हो रहा है वो, हाँ, तो वो तो ओमे मतलब वो वन हो जाएगा, हाँ, तो आपका आंसर आ गया आयोटा। ओके, तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल, प्रीवियस इसमें भी अपन ने ट्राई किया है ओमेगा वाला मेथड, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लिक करना चाहिए बेसिकली, नहीं क्लिक करा तो ये वाला मेथड भी आपके पास, अगर ओमेगा के फॉर्म में ला पाए तो चलो वो भी आप यूज कर सकते हो, तो जो भी मेथड से आपको ध्यान में आ रहा है वो मेथड से आप ट्राई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 334 देख लेते हैं, शिवम अनम्यूट कर लो, आई थिंक यश को भी सेम क्वेश्चन में डाउट है। यस सर, क्वेश्चन नंबर 334 चेक करो। ओके, लेट मी जस्ट राइट दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334 इज ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके ठीक है, 334 में कुछ ऐसा दे रखा है, ओमेगा मतलब ओमेगा का पावर 1 इंटू ओमेगा का पावर 2 इंटू ओमेगा का पावर 3 इंटू ओमेगा का पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 ऐसे चलते जा रहा है अप टू पावर n। आपको सिंप्लीफाई करके बताना है वैल्यू क्या आ जाएगी, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस शिवम सर, यस। अच्छा, ट्राई कैसे किया आपने, कोई भी बोल सकता है, कैसे ट्राई किया सर? मैंने मैंने मैं बोल के शिवम बोल, हाँ बोले, हाँ, तो मैंने वो मैंने नोटिस किया कि ओमेगा क्यूब और ओमेगा सिक्स का वैल्यू वन होता है, तो मैंने वो सारे वैल्यूज अलग ले लिए, एंड उसके बाद जो ओमेगा वन और ओमेगा टू था उसके अंदर मेरे को समझा नहीं क्या करूँ। ओके ठीक है शिवम, सर मैंने क्या किया, ओमेगा वन और ओमेगा टू ये दोनों जो है इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब होगा ना, तो वो भी वन होगा, तो ऐसे सब तीन तीन इस पे सारे वन होंगे, पर ये एन पॉजिटिव इंटीजर दिया है, पर कौन सा है ये नहीं दिया है, ऑड है इवन है कौन से इंटरवल पे है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए 21 22 कुछ भी हो, अगर अगर वो बराबर तीन कॉन्जिक्यूटिव होगा तो उसका आंसर वन होगा, तीन कॉन्जिक्यूटिव होगा तो वन होगा, मतलब सी ऑप्शन मेरे को आया।
और बी भी करेक्ट है, बोथ बी एंड सी बोथ है, तो बी कैसे आएगा वो ये मतलब थोड़ा डाउट है कि ए क्लियर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना सही, ओके देख लेते कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या कर रहे, देखो एक ऑब्जर्वेशन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इन तीन का मल्टीप्ली, अच्छा ये तीन जाने दो, अच्छा ये टर्म वापस ओमेगा का पावर वन हो जाएगा, हाँ। ये टर्म वापस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। ये टर्म वापस ओमेगा क्यूब हो जाएगा, यस ठीक है ऐसा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि तीन के बाद टर्म्स रिपीट कर रहे हैं, मतलब वापस फिर क्या आ गया, ओमेगा का पावर वन, ओमेगा का पावर टू, ओमेगा का पावर थ्री, ऐसा आ गया, फिर वापस ओमेगा का पावर वन, ओमेगा का पावर टू, ओमेगा का पावर थ्री, ऐसा आ ठीक है, यस ओके। तो एक हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी थ्री एन प्लस वन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या, या तो एक आ जाएगा या तो चार आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्म, एन तो उन्होंने यूज किया, मैं काम कर लेता हूँ यहाँ पे के बोल देता हूँ, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी थ्री के प्लस वन, वेर के के इज अ होल नंबर लाइक जीरो वन टू थ्री कुछ भी, तो आप रखोगे तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स वन मिलेंगे, ठीक है, या आपको नंबर ऑफ टर्म्स फोर मिल जाएंगे या नंबर ऑफ टर्म्स सेवन मिल जाएंगे, ये ध्यान में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ये हम केस चेक करेंगे, सेकंड एंड ये बेसिकली एन को हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी थ्री के प्लस वन। सर थ्री के कैसे लिया, देखो आपका जो मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे वो तीन के बाद रिपीट कर रहे हैं, हाँ, ओके, ओके, समझा। और एक और ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, हाँ, और देखो एक और ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, अगर तीन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आप चेक करोगे वो वन आ जा रहा है, हाँ। वैसे दो का भी देख रहे हो तो वन आ रहा है वो ठीक है, लेकिन तीन का भी मैं चेक कर रहा हूँ तो अच्छा ठीक है। वैसे क्या करता हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स जाने के पहले थोड़ा इजी वे में बता देता हूँ, तो ये तो मुझे क्लियर हो रहा है कुछ टर्म्स ऐसे लिखे, ओमेगा का पावर वन, ओमेगा का पावर टू, ओमेगा क्यूब, फिर अगला वापस क्या लिखा है, ओमेगा का पावर वन, ओमेगा का पावर टू, ओमेगा क्यूब, फिर वापस अगला क्या लिखा है, ओमेगा का पावर वन, ओमेगा का पावर टू, ओमेगा का पावर थ्री, ऐसा चल रहा है, ये ध्यान में आ रहा है आपको, हाँ सर ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स मान लो एक ही टर्म है तो आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, हाँ। एक ही टर्म है तो, दो टर्म है तो आंसर क्या आ रहा है, दो टर्म है मतलब ओमेगा का पावर वन इंटू ओमेगा का पावर टू, क्या आंसर आ रहा है, ओमेगा वन, वन आ रहा है ठीक है। तीन टर्म्स है तो क्या आंसर आ रहा है, वन, वन, ओके। चार टर्म से तो आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा, ओमेगा, क्योंकि इतना मल्टीप्लिकेशन तो वन ही है, हाँ। और फिर वो रिपीट कर रहा है वापस ओमेगा, तो ये आ गया। पांच टर्म से तो आंसर क्या आ रहा है, वन, वन। छह टर्म से तो आंसर क्या आ रहा है, वन, वन। सात टर्म से तो आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा, ओमेगा, हाँ। तो आपको पैटर्न दिख रहा है ना अब यहाँ पे, हाँ। एक तो आंसर वन होगा या तो ओमेगा होगा, करेक्ट, आंसर या तो वन वन होगा या तो ओमेगा होगा, तो उन्होंने नहीं क्या ऑप्शन में दिया है, वन भी दिया है और ओमेगा की मतलब वो वैल्यू भी दे रखी है एक और ऑप्शन में, हाँ। है ना, इसलिए दो ऑप्शन आंसर आ गए, क्लियर हुआ, हाँ, पर पीछे जो आंसर की में सिर्फ वन ऑप्शन दिया है, नहीं अरे आप लास्ट ऑप्शन चेक करो, लास्ट ऑप्शन वो बी एन सी बोला है उसने, अच्छा अच्छा हाँ करेक्ट, ठीक है ध्यान में आया, ओके क्लियर है ये क्वेश्चन, यस सर, ओके गाइस 335 तक चेक करो, कोई डाउट है आपको, सर 335 में भी डाउट है, 335 में भी डाउट है, ओके। इफ ओमेगा इज 1 माइनस ओमेगा का पावर 7, ठीक है। देखो वैसे ऐसे क्वेश्चंस में डाउट आना नहीं चाहिए, मैं इसको बता देता हूँ सॉल्व आप कैसे करोगे, आगे के क्वेश्चन शायद इसी पे डिपेंड कर रहे होंगे। 335 जो है आपको ये तो पता है कि, और आपको ये तो पता है कि, हाँ, वो ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये तो आपको पता है, हाँ करेक्ट, ठीक है। आपको एक और चीज पता होगी कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो, जीरो होता है, करेक्ट। तो ये दो प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको यूज करके हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, हाँ। तो जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो है बेसिकली 1 प्लस ओमेगा का पावर 7 इक्वल टू क्या दिया है, ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा, चेक कर लो ये क्वेश्चन दिया है क्या, हेलो, हाँ, यही दिया है ना क्वेश्चन, हाँ, ओके ठीक है। अब पहले आपका डाउट बता दो, आप क्या बोल रहे थे, हाँ सर, मैंने क्या किया, मैंने जो आपने जो दो ए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो वो प्रॉपर्टी है, तो वो हाँ, यूज करके मैंने जो वन प्लस ओमेगा है उसके अंदर मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और जो ए प्लस बी ओमेगा है उसको मैंने ओमेगा को वन माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, अच्छा ओके ठीक है, इसको ऐसे रहने दो,
अच्छा तो इधर गलती मतलब ऐसा नहीं कि इसको चेंज नहीं करेंगे तो मतलब इसको चेंज करके अभी आंसर ला सकते हैं, बट फिलहाल ऐसे रहने दो। अभी हाँ एलएचएस की बात करो सिर्फ, तो एलएचएस में नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बोलो, मतलब ओ, फिर उस सिंपलीफाई होके पहले क्या आएगा? सेवन को इधर डाल दो, फिर सिंपलीफाई करके आंसर 14 नहीं में नहीं ऐड। रुको रुको, देखो ये यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं, -1 का पावर 7 × ω² का पावर 7, तो यस क्या आंसर ये आ जाएगा एलएचएस में? हाँ करेक्ट, ओके ठीक है, ओमेगा का पावर 14 सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा? ω² वेरी गुड, तो -ω² = a+b ω आ गया। हाँ फिर वो अब एलएचएस में तो ω ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन आरएचएस में तो ओमेगा है, तो हम इसको ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो -ω² को क्या लिख सकते हैं? -1 -ω। नहीं, अरे -ω² अच्छा तो इसको आप सॉरी राइट साइड ले जा रहे हो, 1 1 + ω। 1 + ω, करेक्ट, वेरी गुड। तो 1 + ω = a+b ω, हाँ तो क्या तो हम वैल्यूज आ गई ए ए और इज बी की? इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1। करेक्ट, आ गया आपका आंसर। अच्छा हाँ मैंने वो मैंने मैंने गलती की, वो जो आर एच एस वाले ओमेगा को ओपन करते हैं। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि वहां से सॉल्व करके नहीं आएगा, आ सकता है, मुझे वेरीफाई करना होगा, वो वहां से भी चेक कर सकते हैं माइडी, अगर वैसे चेक करना है आपको वो भी चेक कर सकते हैं। हेलो, यस, हाँ ठीक चेक करना है या नहीं? सर, कर लो एक बार तसल्ली के अच्छा लिए। कर लेते हैं, चलो ठीक है। 1 + ω का पावर 7 = a+b ω, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपने क्या किया यहाँ पे, तो आपने लिख दिया -ω² का पावर 7। अच्छा राइट साइड में क्या किया? राइट साइड में वो माइनस ओमेगा को माइनस ओमेगा -1 -ω लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया -1 - ω² है ना, हाँ और तो ये बी तो आ जाएगा -ω का पावर 14, और ये आ गया होगा आपका, सॉरी यहाँ पे b है, हाँ तो a - b - b ω² आ गया। ठीक हाँ है, इसके बाद क्या किया? इसके बाद मैंने एक हाँ उसके बाद मैंने जो बी -B ω² है उसको LHS पे लिया, ठीक है, फिर मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, फिर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट B-1 आया इज इक्वल टू ए, फिर उसके बाद इक्वल टू ए, एक मिनट, b - a सॉरी b - 1 × ω² राइट, इक्वल टू कितना आया? ए माइनस a नहीं आएगा ना, हाँ a - b आएगा ना, यस समझा, गलती समझा। ठीक है, तो a - b आ जाएगा। हाँ ओके, अब a और b क्या बोल रखा है? रियल नंबर बोल रखा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये तो राइट साइड में ओमेगा के वजह से क्या इमेजिनरी पार्ट आ सकता है, तो b की वैल्यू आप 1 कर दो तो ये भी 0, और b और ये भी 0 कर दोगे तो a की वैल्यू भी 1। हाँ ठीक है, अच्छा या कंपेयर भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे नहीं लाओगे तो भी कंपेयर कर सकते हो। कैसा मतलब, इसको सिंप्लीफाई किया कितना आ गया? -ω² यहाँ पे आपने चेक किया, तो इधर है a - b, और यहाँ पे क्या है आपका +b, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया वापस -ω² ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो a - b तो 0, यहाँ पे मैं 0 सोच सकता हूँ ऐसे, हाँ और b की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं? 1, क्योंकि यस -ω² - ω² तो मतलब 1 आ गई b की वैल्यू। हाँ ठीक है, तो a = b = 1, ठीक समझे है, बट दोनों साइड में चेंज करो, एक साइड चेंज करके जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे करो। हाँ ठीक वही ये वाला सिंपल है है, आपका। ओके गुड। सो गाइस, दिस वाज क्वेश्चन 335, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन 340? चैट में आप लिख दो इफ यू हैव एनी डाउट अप टू क्वेश्चन 340। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 340 चेक कर लेते हैं। यश अनम्यूट कर लो। अनम्यूट कर लो यश। यस सर गाइस, क्वेश्चन नंबर 340 चेक करो सभी। ये तो फॉर्मूला है यश, सर ऐसे वाले नहीं आते, मतलब जो ए प्लस बी मेरे को ये वाला नहीं आता मेरे को। हाँ ठीक है, कुछ फॉर्मूले आपको लिखाए होंगे क्लास में, वो नहीं क्या, आप ध्यान में रखो। जैसे कि एक फॉर्मूला है आपका a³ - b³, वैसे हमें तो फॉर्मूला पता है, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, जो ए प्लस काफी बार हम स्टडी बी करते हैं, a - b, a² + ab + b² करेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला है जो जिसमें मतलब इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो a - b ω
ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका भी फॉर्मूला है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, हाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है सर, पर ये फॉर्मूला है कि ऐसे हमारा ये ओमेगा ओमेगा कैसे आता है, मेरे को ठीक है ओके एक एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ। ठीक है हाँ, फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, वैसे और भी फॉर्मूले है, एक नीचे इसके लिए भी फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, उसमें भी हम एक फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है आपको फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, ठीक है इक्वल टू जीरो, मान लो अभी के लिए एक इक्वेशन सॉल्व करना है, मान लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ ऐसे लिख सकते हैं। यस ठीक है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ओके क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ओके। नाउ लेट ए प्लस ए बाय बी इक्वल टू एक्स, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये, हाँ ओके ठीक है ये एज्यूम किया है मैंने, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वन हो गया, करेक्ट। तो आपने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्टडी किए होंगे, हाँ, हाँ. सॉरी क्यूब रूट मतलब कॉम्प्लेक्स जाने दो, चलो ठीक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने स्टडी किया होगा, तो तीन रूट आते हैं, एक्स की तीन वैल्यूज क्या आती है, वन ओमेगा 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 स्क्वायर, ठीक है हाँ. तो अगर मतलब इस इक्वेशन के रूट अगर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, एक्स माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर फैक्टर आ जाएंगे, हाँ ये ध्यान में आया क्या, एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर उसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तो अब नीचे एक्स की जगह में वापस ए बाई बी लिख दो, ए बाई बी माइनस वन ए बाई बी माइनस ओमेगा और ए बाई बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है हर एक ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी बाई बी वो मतलब बी क्यूब आएगा, उसको वापस इधर साइड में हम सेंड कर दें, ठीक है तो ए माइनस बी ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अगर आप चेक करोगे मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू ए इंटू ए क्यूब तो मैच कर रहा है, तो यहाँ से फिर क्या आ गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना आ गया, ये आ गया, अच्छा ओके ठीक है ये एक मेथड क्लियर हुआ, यस समझ गया। बाकी नीचे आप बाकी भी प्रूव कर सकते हो, बट आपको शायद क्लास में वो कराया होगा, एक बार चेक कर लेना, और ये इम्पोर्टेंट है ये कुछ फॉर्मूले, ठीक है जिसमें ओमेगा जो आता है, तो आपने ये याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है 340 वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है करेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा, ओके दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 340 गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 345। Any doubt up to question number 345? Okay, 343 और 344 में doubt आ रहा है, दोनों question check कर लेते हैं। Guys, सबसे पहले question number 343 आप check करो। If omega is a cube root, okay. Yes, can you raise your hand? Unmute कर लो yes. Yes, sir. ओके सो क्वेश्चन नंबर 343 गाइस, आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा पावर 10 प्लस ओमेगा पावर 23 इंटू पाई माइनस पाई बाय 4, एक बार चेक कर लो ये, हाँ करेक्ट करेक्टली लिखा हुआ है, यस सर ओके ठीक है। कैसे ट्राई किया आपने सर, मैं ये ऐसे दिया तो ब्रैकेट के अंदर जो ओमेगा रेस टू 10 प्लस ओमेगा रेस टू 23 है, तो मुझे दिख रहा है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है व्हिच इज इक्वल टू माइनस 1, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका साइन ऑफ माइनस, तो माइनस 1 इनटू पाई, तो माइनस पाई माइनस पाई बाय 4 ये हो गया, प्लस पाई बाय 4 होगा ना, अरे ये भी तो माइनस है ना, नहीं ब्रैकेट के अंदर माइनस, ब्रैकेट सिर्फ पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा ओके अच्छा हाँ ठीक है। तो इसके बाद क्या कर लो, माइनस साइन कॉमन ले लो,
तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाय फोर। अब सिर्फ इतने इस पे फोकस करो, साइन पाई प्लस पाई बाय फोर, तो अगर आपने कंसेप्ट आपने स्टडी किया हुआ है तो साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, तो ये माइनस तो पहले से, और ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाय फोर, ठीक है, तो ये हो गया साइन पाई बाय फोर, तो आपका आंसर वन बाय रूट टू। उन्नति कैन यू रेज योर हैंड, अनम्यूट कर लो उन्नति। Yes, sir. Okay. Guys, question number 344 check करो सभी। Okay, a plus b omega plus c omega square, a plus b omega square plus c omega. Okay, ठीक है, a plus b plus c zero दिया आपको। Okay. तो a plus b plus c equal to zero, ये आपको given है, और आपको find करना है value. a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इसका क्यूब, ये वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, कैसे ट्राई किया हमने, सर ओपन कर ट्राई किया। अच्छा, आपने a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब अप्लाई कर दिया क्या? नहीं सर, वैसे नहीं, वो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किया इज इक्वल टू 0, वो प्रॉपर्टी यूज करके। अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे हो कि आपने ए बी सी की कुछ वैल्यू अज्यूम कर लिया, ऐसा? नहीं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाला ये किया, सब्स्टिट्यूट किया ओमेगा का वैल्यू उसमें से। अच्छा, आप बोल रहे हो ओमेगा की वैल्यू आपने, मतलब लाइक ओमेगा की वैल्यू जो होती है माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाय 2। आप बोल रहे हो कि आपने क्या यूज किया, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें से ओमेगा की वैल्यू ली और वो ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके ओके, ठीक है, ऐसे ना? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आपने ओमेगा की जगह रख दिया माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। यस सर। ठीक है, ओके, तो कुछ ऐसा हो गया होगा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब, तो सेम चीज अगर यहाँ पे, अगर आप सेम चीज यहाँ पे अप्लाई किए। यस सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a माइनस सी प्लस ओमेगा स्क्वायर, ना, हाँ, b माइनस सी ओमेगा स्क्वायर इसका क्यूब। ओके, ठीक है, इसके बाद सर वो बहुत लेंथी हो रहा था इसलिए मैंने पूछा। ओके, ठीक है, वैसे ये सही है, मतलब ये आपने, मतलब जो सोचा था सही सोचा है कि रादर देन ए प्लस बी प्लस की होल क्यूब, अभी अगर मैं इसको मान लो पी बोल दूं और इसको क्यू बोल दूं तो पी प्लस क्यू होल क्यूब दिख रहा है ना, जिसका फॉर्मूला हमें पता होता है, लाइक ए प्लस बी होल क्यूब का हमें फॉर्मूला पता होता है, राइट? यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये सही है, आपने सोचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये हो सकता है कि सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा लेंथ भी चल जाए माइट भी, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, एक जो मुझे मेथड ध्यान में आ रहा है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूले बोल रहा था यस को, तो आपको ये भी फॉर्मूला एक पता होगा, लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये पता है? नहीं सर। ओके, ठीक है, तो ये फॉर्मूले में एक मतलब, ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, इसी को ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है, किसी को पता है ये फॉर्मूला?
गाइस आप चैट में रिप्लाई कर सकते हो। ओके ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब मुझे क्यों ध्यान में आ रहा है, क्योंकि टर्म्स अफेक्ट हो, ये वाले टर्म्स यूज हो रहे हैं ना, ये जो टर्म्स होने यूज किए हैं, तो ये वाले ब्रैकेट का माइट भी काम आ रहा है। दिख रहा है क्या वो टर्म्स यूज करे हुए, बट हाँ ये टर्म्स दिख रहे हैं क्या यूज करे हुए उन्नति? ओके ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके तो फिर अब मैं क्या करूँ, वो वाला कंसेप्ट अगर मैं यूज करूँ, एक काम कर लेते हैं, इसको जो है कैपिटल ए बोल देते हैं, इसको कैपिटल बी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, उन्नति ऐसा नहीं कि आपने जो मेथड यूज किया उससे नहीं हो सकता, उससे भी बिल्कुल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, हमें बस क्या करना होगा उसमें सिंपली मतलब a प्लस बी होल क्यूब अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करना हो। ठीक है, yes, फिलहाल मैं दूसरा मेथड, हाँ तो फिलहाल मैं नहीं, दूसरा मेथड ट्राई कर रहा हूँ उससे देख लेते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या हम a क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी? यस सर। ओके ठीक है, मुझे क्या क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी सबसे पहले तो फाइंड करना है, और ए इंटू बी मुझे फाइंड करना है, ये दो चीजें मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी फाइंड करता हूँ। तो ए बेसिकली क्या है आपका, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी क्या है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये है। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो देखो ए प्लस ए तो 2a हो गया, यहाँ पे b कॉमन लूंगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे c कॉमन लूंगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लू, क्या ब्रैकेट में b प्लस c बचेगा? यस सर। ओके, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या हम माइनस वन लिख सकते हैं? यस। तो ये माइनस ऑफ b प्लस c हो गया, या माइनस b माइनस c जो भी बोलना है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, तो माइनस ऑफ बी प्लस सी तो ए हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया 2a प्लस ए, तो ये 3a आ गया। ध्यान में आ रहा है ये? यस सर। ओके ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू तो कितनी आ गई, वो 3a आ गई। अब हमें a इंटू बी की वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप a इंटू बी चेक करोगे तो बेसिकली ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला मतलब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है वो। यस, तो वो तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ जाएगा। यस ठीक है, ओके। तो अब देखो ये, तो ये मतलब यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, तो ए प्लस बी कितना हो गया 3a, और a इंटू बी तो अभी आपको बता दिया मैंने क्या हो गया, तो उसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 3a मतलब a प्लस बी होल क्यूब तो 3a का क्यूब माइनस 3ab, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ब्रैकेट में ए प्लस बी है तो वो वापस 3 हो गया। तो यहाँ तक आ गया सिंप्लीफाई होके, ये क्लियर हुआ? यस। ओके, अब इससे फायदा देखो, ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शंस में आप देखोगे ओमेगा नहीं है, और ऑप्शन में मुझे ए इंटू बी इंटू सी दिख रहा है। ठीक है, तो ओमेगा नहीं है, तो ये स्टेप में क्या मतलब यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया उसमें क्या हुआ, ओमेगा तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है और ए बी सी के टर्म्स में लेके आना है, मतलब ए इंटू बी इंटू सी के टर्म्स। ध्यान में आ रहा है? यस। ओके, तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके माइट बी ए को बी के टर्म में या बी को सी के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो इसका यूज करेंगे। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, इतना आगे ऑब्वियसली जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे 3 क्यूब है, तो 3 स्क्वायर मतलब 9 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ पे एक ए दिख रहा है, तो 9a कॉमन आ जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। ओके, यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ? 3a स्क्वायर, वेरी गुड, 3a स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे ये 3 कॉमन हो गया और ये 3a कॉमन हो गया, तो क्या बच गया ब्रैकेट में, माइनस ऑफ a प्लस बी, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बच गया, ठीक है। हाँ सर। ओके, अब ऑप्शन में क्योंकि आंसर ए इंटू बी इंटू सी के टर्म में है, तो अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे ए बी बी सी कुछ दिख रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको भी ए बी बी सी के टर्म में कन्वर्ट करने का। तो कैसे कर सकते हैं आप, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी प्लस सी आप होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे ए स्क्वायर, आपको आई होप तो फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी या सी ए इक्वल टू जीरो, ये पता है फॉर्मूला? यस सर। ओके, वो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो नाइन ए गाइस, इससे आसान भी मेथड हो सकता है, फिलहाल जो मुझे ध्यान में आ रहा है मैं उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये मेथड आप समझ लो, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। थ्री ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा टू ए बी, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या लिख देंगे फिर, माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए, तो माइनस टू ए बी और यहाँ पे माइनस ए बी ऑलरेडी है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री बी सी माइनस थ्री सी ए, ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, बोलो? यस सर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, तो नाइन ए थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री बी सी प्लस थ्री सी ए, ये आ गया। थ्री कॉमन ले लो, तो ट्वेंटी सेवन ए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब मुझे चार टर्म्स दिख रहे हैं, तो मैं दो का ग्रुप बनाता हूँ, तो माइट बी, हाँ तो इन दो का अगर ग्रुप बना है, अब देखो इन दो का ग्रुप बनाओगे तो ए कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बी प्लस सी बचेगा। yes. क्या हम बी प्लस सी की जगह यहाँ से बी प्लस सी की जगह माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है? हाँ सर। तो क्या ये ए इंटू माइनस ए हो गया, मतलब क्या ये माइनस ए स्क्वायर हो गया? yes, sir. तो ये दो टर्म्स का एडिशन माइनस ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में ऑलरेडी एक ए स्क्वायर है, तो वो कट हो जाएगा। yes, sir. तो बचेगा सिर्फ आपका ये टर्म बी सी, तो ये सिंप्लीफाई होगी, क्या आ गया 27 ए इंटू बी सी, मतलब 27 ए बी सी आपका आंसर है। ओके सर, थैंक यू। ओके, गाइस क्लियर हुआ सभी को ये, कोई स्टेप में डाउट आपको? ओके, कूल। हाँ इसको नहीं क्या, हाँ वैसे भी ठीक है। ओके, तो ये एक मेथड है, और भी मेथड हो सकते हैं गाइस, और कुछ एज्यूम करके ऑब्वियसली आप कोई शॉर्ट तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 344 गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 350? ओके, 347 में डाउट आ रहा है, यस कैन यू रेज योर हैंड, अनम्यूट कर लो। यस यस सर। ओके, 347 गाइस, क्वेश्चन नंबर 347 चेक करो, तो लिखा है 225 प्लस 3 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है? हाँ। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन हो गया सिंपल सर। नहीं, मैंने क्या डाउट आ रहा है, मैंने क्या किया, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है, थ्री ओमेगा प्लस एट ओमेगा स्क्वायर है, तो उसके अंदर हाँ। मैंने ओमेगा स्क्वायर को माइनस वन माइनस ओमेगा, तो फिर एट माइनस एट माइनस एट ओमेगा स्क्वायर लिखा, फिर मैंने वो सेकंड थ्री ओमेगा स्क्वायर प्लस एट काम करते, देखो एक काम करते सिंपल, एक्सपांड कर देते ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब नाइन ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 64 ओमेगा का पावर 4 मतलब 64 ओमेगा लिख सकते हैं। हाँ। प्लस 2 ए बी, तो 2 इंटू 3 6 6 48, तो क्या ये 48 हो जाएगा? हाँ करेक्ट। ठीक है, ओके
यहाँ तक कोई डाउट? पहले ब्रैकेट का एक्सपांशन नहीं, ओके सेकंड ब्रैकेट को भी एक्सपांड कर देते हैं। हाँ, तो ए स्क्वायर, तो बेसिकली 9 ओमेगा का पावर 4, मतलब 9 ओमेगा लिख देंगे। हाँ, प्लस 64 ओमेगा स्क्वायर। हाँ, प्लस 64 ओमेगा स्क्वायर प्लस 48, करेक्ट, गुड। तो यहाँ पे देखो 225, अच्छा इसको जब मैं इसमें जब ऐड कर रहा हूँ तो 9 कॉमन लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। हाँ, माइनस 1, वो माइनस 1 होता है क्या? तो क्या ये माइनस 9 हो गया? नेक्स्ट ब्रैकेट माइनस 64 हो गया। अच्छा, ओके। और फिर और नेक्स्ट ब्रैकेट तो क्या प्लस 48, और वो तो प्लस 48, तो उसको 96 भी लिख सकते हो सीधा। ओके, ठीक है, ये कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, वो मैंने स्क्वायर को ओपन करने का क्लिक नहीं किया। ठीक है, क्योंकि देखो आपने जैसा किया मैं वो नहीं बोल रहा वो गलत है, बट यहाँ पे क्या सिंपल ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा था, एक्सपांड कर दिया। हाँ, उससे वो अजीब सा कुछ तो आता है दोनों पर, दोनों सेम है। उससे भी मतलब अजीब नहीं होना, देखो मैं बता देता हूँ। जैसे आप एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने क्या यूज कर रहे हो 3 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, तो आपने क्या कर दिया ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख दिया माइनस 1 माइनस ओमेगा, तो क्या आ गया 3 ओमेगा माइनस 8 माइनस 8 ओमेगा आ गया। ठीक है, तो इसको आपने फिर ऐसा लिख दिया होगा कि माइनस 8 माइनस 5 ओमेगा होल स्क्वायर, ये बन रहा होगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वापस ए प्लस बी होल, मतलब बेसिकली इसको तो ऐसा लिख सकते हैं ना माइनस कॉमन लेके 8 प्लस 5 ओमेगा होल स्क्वायर। वो जो ओपन करने का था वो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, आपने बस यहाँ तक लिखा था क्या? वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस, अच्छा सॉरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ओके। आपको x दे रखा है a प्लस बी, y दे रखा है और z दे रखा है, ओके ठीक है। x a प्लस बी a a ओमेगा, ओके ठीक है, a ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 349 जो है उसमें आपको x दे रखा है a प्लस बी, y दे रखा है आपको a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर और z दे रखा है आपको a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, ये चीज आपको गिवन है। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन तो अच्छा कैसे ट्राई किया आपने? सर मैंने वो जो x का वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है मैंने वो पूरा मतलब वो इक्वेशन में पुट कर दिया, फिर उसे बहुत बड़ा सा आंसर बड़ा सा मतलब सॉल्यूशन। अच्छा, आपने a प्लस b होल क्यूब का फिर फॉर्मूला यूज किया? हाँ, पर फिर वो बहुत बड़ा सा हो रहा तो समझ नहीं, फिर बाद में कंफ्यूज हो गया मैं। ओके ओके ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे टर्म्स को ऐड कर दूं, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्सपांड करके भी कर सकते हो कि आपने x की वैल्यू पुट कर दी a प्लस b, फिर आपने क्या कर दिया उसको एक्सपांड कर दिया, तो वो भी ठीक है, ऐसा कुछ उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, दूसरा अपन एक तरीका यहाँ पे देखते हैं, मान लो अगर मैं इनको ऐड करूँ तो x प्लस y प्लस z कितना आ जाएगा? हाँ, इसमें a आ जाएगा, नहीं जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि आप a कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ जीरो आएगा, और यहाँ पे b कॉमन लोगे तो 1 प्लस तो जीरो आ गया। हाँ ठीक है, तो आपने एक कंसेप्ट स्टडी किया होगा, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का आपको एक्सपेंशन फाइंड करना है जिसमें a प्लस b, अच्छा यही फॉर्मूला देख लो ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला लिखे हुआ है ना हमारे पास, ये फॉर्मूला देखो। हाँ ठीक है, इसमें आप देखो अगर a प्लस b प्लस c जीरो हो गया तो राइट साइड तो पूरा जीरो हो गया। यस करेक्ट, इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc जीरो, तो क्या हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को इक्वल टू 3abc बोल सकते हैं? मतलब हाँ बोल सकते हैं। यस ओके ठीक है, तो इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू जीरो, देन x प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 a प्लस b इंटू a प्लस b ओमेगा, सॉरी a ओमेगा प्लस क्या b ओमेगा स्क्वायर, है ना? नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूँ, तो इक्वल टू कितना आ गया 3 a प्लस b
इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ये ठीक है? और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये, ये एक क्यूब, हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, इसमें एक स्टेप और मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई करने दो। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये शायद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, उसमें ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर आता है। हाँ. मतलब ए के साथ हमेशा वन रहता है, मतलब ए इंटू वन, ए इंटू वन, ए इंटू वन ऐसा। हाँ. बी के साथ एक बार वन आता है, एक बार ओमेगा आता है, एक बार ओमेगा स्क्वायर आता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ए के साथ यहाँ पे वन है, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वन है कोई, यहाँ से मैं ओमेगा कॉमन लूंगा, यहाँ से मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूंगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, थ्री इंटू ए प्लस बी, यहाँ से आपने ओमेगा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, ए प्लस बी ओमेगा। ठीक है, और यहाँ से आपने जब ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में यहाँ पे तो ए बच गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं सर यहाँ पे क्या बचेगा, तो इसको क्या करो, बेसिकली ओमेगा को क्या आप ओमेगा का पावर फोर सोच सकते हो। यस, तो ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कॉमन लू तो क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। यस ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, वो तो वन हो गया, तो बचा क्या, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सिंप्लीफाई करके यही आ जाए। सर मेरे को एक ये जो आपने अभी उन्नति को फॉर्मूला बोला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तो उसका जो मेन फॉर्मूला है जो है वो इस एक्स प्लस वाई प्लस एक मिनट रुको, कौन से वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हो, इसमें से कोई फॉर्मूले की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। हाँ, तो ये फॉर्मूला दो तरीके से लिखा जा सकता है, और भी तरीके, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। वही वही मैं वही सोच रहा था, इसको मतलब ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं, इसको किसको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी को? हाँ नहीं नहीं नहीं, आपने क्या एक बार मल्टीप्लाई, आपने क्या एक बार सिंप्लीफाई करके देखी, सिंप्लीफाई करके देखें। ठीक है, और फिर क्या आएगा, एक्सपांशन आप चेक कर लें। ठीक है, हुआ? ठीक है, मतलब एक मेथड, मतलब कैसे करोगे वो बताए। तो मतलब अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, आप इसको ऐसा सोच सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, मतलब आपको और भी फॉर्मुलेज नहीं पता है, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ए प्लस बी होल क्यूब आप कैसे डिराइव कर सकते हो, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू, फिर आप a प्लस बी कर सकते हो। तो पहले a से मल्टीप्लाई करो फिर b से, फिर सिंप्लीफाई करके कुछ आ जाए। तो ये एक तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो और भी अगर आपको कोई तरीका यूज करना है यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब फाइंड करो, वो डेफिनेटली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी नहीं है। ओके सर, ओके ठीक है सर, मेरे को 350 गाइस क्या हुआ, 350 में भी डाउट है, 350 में भी डाउट है। ओके गाइस, 350 चेक कर लो, ओमेगा इज द एंड, ओके अदर देन, ये तो आसान है, ये तो क्लास में आपको लिखाया होगा, एंड रूट ऑफ यूनिटी में आपको लिखाया होगा ये कंसेप्ट। लास्ट क्या क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो ना, तो उसके पहले एक बार क्लास नोट रिवाइज किया करो, तो नहीं क्या आसान जाएगा आपको। बेसिकली कुछ ऐसा है, मान लो जेड टू द पावर एन इक्वल टू वन, तो इसके कितने एन रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये पता है कॉन्सेप्ट एन रूट ऑफ यूनिटी वाला? यस सर। ओके, तो वो एन रूट कैसे होंगे, एक रूट वन है और दूसरा अल्फा, तो अगले रूट कैसे होते हैं, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ऐसा सिंप्लीफाई, मतलब बेसिकली आपका एन रूट आएंगे, तो लास्ट रूट को हम एन अल्फा पावर एन माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे पता है कॉन्सेप्ट आपको? यस सर। ओके ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है कि उन्होंने अल्फा की जगह क्या यूज कर लिया, बस ओमेगा यूज कर लिया। उन्होंने क्या बोलेगा, मतलब उन्होंने क्या बोल रखा है कि ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स एंथ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब वन को हटा दिया उन्होंने बेसिकली, है ना? वही लिखा है ना क्वेश्चन क्या है 350 में, हाँ एंथ रूट ऑफ यूनिटी अदर देन यूनिटी, सॉरी हाँ, तो वन को लीव करके जो बाकी रूट होते हैं, हाँ. तो आपको पता है यहाँ पे एन रूट आते हैं, उन्होंने क्या बोला, अभी के लिए आपने क्या वन को लीव कर दो, उसके अलावा जो बचे हुए रूट है उसमें से एक रूट क्या है, ओमेगा है, तो मान लो इसको ओमेगा मान लिया, तो बचे हुए रूट तो मैं ऐसे सोच सकते हैं। ये रहे? ओके, अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ
वन प्लस ओमेगा मतलब बेसिकली ओमेगा जगह अगर मैं अल्फा सोच रहा हूँ तो उन्होंने क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑल द रूट, ये लिखा हुआ है उन्होंने। यस सर। तो सम ऑफ रूट आपको फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे z रेस टू n माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो सम ऑफ रूट जो है और ऑब्वियसली n की वैल्यू में ग्रेटर, हाँ उससे बोल रखी है, तो अगर आप चेक करोगे तो सम ऑफ रूट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको जैसे क्वाड्रेटिक में पता होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाय, करेक्ट। तो अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो और पूछूं यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, जीरो, क्योंकि बी मतलब बी जीरो है बेसिकली, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जेड का पावर जो एन माइनस वन है उसका कोएफिशिएंट तो जीरो है ना। हाँ, अच्छा। तो सम ऑफ रूट क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। हाँ। क्लियर हुआ? यस सर। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए था, ये तो बेसिक आपको n टू द इनफिनिटी में लिखा होगा सम ऑफ रूट के साथ। हाँ सर, ये मेरे को इसलिए नहीं क्योंकि सर ने इसके पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा, इसी पे लेक्चर। कोई दिक्कत नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसेप्ट लिखा है जो भी है तो क्लिक करना चाहिए, ऐसे बोलो। नेक्स्ट टाइम क्या देख लेना, एक बार पहले क्लास नोट रिवाइज कर लेना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, शायद ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, यस सर। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 350, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 352 तक ही है ना। हाँ, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 352? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 352? ओके, अच्छा वैसे ये भी बता दूं, हाँ तो यस, जैसे ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, और इवन आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो कि बी प्लस सी को आपने एक टर्म बोल दिया, तो ये एक टर्म हो गया आपका, ये सेकंड टर्म हो गया, तो यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब आप अप्लाई कर सकते हो, वो आपको फॉर्मूला पता है, फिर उसमें बी प्लस सी का होल क्यूब आएगा या स्क्वायर जो भी आएगा उसमें, फिर आप बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मतलब कंसेप्ट यूज कर सकते हो। ध्यान में आ रहा है? चैट में लिख दो। ओके, कूल, ठीक है। हाँ, तो डिफरेंट तरीके कोई भी आप यूज करो, बेसिकली आंसर आना चाहिए, और आप देखोगे वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी सिर्फ उतना नहीं आता। ओके, शिवम अनम्यूट कर लो। यस सर, 351 कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 351 में डाउट है। ओके गाइस, चेक करो क्वेश्चन नंबर 351। ओमेगा बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है। ओके, ये एक्सपेंशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सपेंशन जो है क्वेश्चन नंबर 351 में बेसिकली टर्म दी है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8। कितने टर्म्स है शिवम इसमें? सर, 2-1 फैक्टर्स तक दिए, मतलब क्या तो वही सब मतलब बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि n मतलब आप नेचुरल नंबर ले लो और 2n टर्म्स है मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इवन नंबर है। हाँ, फिर समझ गया। मतलब देखो, मतलब 1 प्लस ओमेगा को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा, और फिर वो रिपीट होते जाएगा ना अभी, मतलब 2n तक। वेरी गुड। तो ये हाँ, तो ये ओमेगा, मतलब हमें पहले दो के आंसर चाहिए हमें, इन शॉर्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो दो दो का ग्रुप आपने बना लिया, तो और दो का मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो पूरा आंसर बना। फैक्टर समझ में नहीं आया, फैक्टर मतलब मेरे को लगा कि ओमेगा की पावर कुछ तो ऐसे। नहीं 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 नहीं, वो हाँ नहीं, मतलब उन्होंने बोला है कि 2n टर्म्स बेसिकली। ओके, एक बार चेक कर लो आंसर 1 है क्या। 1 है, बराबर है, ठीक है। ओके, गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 352? बाकी लोग म्यूट कर लो। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 352? ओके कूल। तो गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी आपको होमवर्क दिया गया था वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप सो आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड दिस सेशन वुड हैव हेल्प यू इन गेटिंग अ मोर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट जो है सर्कल का जो शीट है उसमें के अराउंड 9 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे,
ठीक है गाइस, हाँ 161 से 169, तो गाइस सर्कल की शीट ले लो एक बार और क्वेश्चन नंबर 161 से क्वेश्चन नंबर 169 ये सेट में अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आप पूछ लो। ओके सर्कल के शीट में डाउट आ रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 164 में डाउट है, उन्नति कैन यू रेज योर हैंड, अनम्यूट कर लो उन्नति। यस सर। ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, सर्कल की शीट में क्वेश्चन नंबर 164, हाँ 164 उन्नति इनकरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब करेक्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शंस इनकरेक्ट दे रखे हैं। ओके सर। तो मतलब मेथड तो पता है, मतलब आपका आंसर मैच नहीं कर रहा था या सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी, क्या हो रहा है? आंसर मैच नहीं कर रहा था। आंसर मैच नहीं कर रहा, हाँ ठीक है वो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली आंसर उन्होंने इनकरेक्ट दिए, और इस टाइप का क्वेश्चन मतलब एग्जैक्टली ये नहीं बट ऐसा कुछ क्वेश्चन आई थिंक 160 हमने सॉल्व किया था है ना, उसमें भी वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना है आपको टेंजेंट्स के, राइट? Yes, sir. हाँ उसमें बस क्या स्लोप दे रखा था, बस वो डिफरेंस था एक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मतलब मेथड तो क्लियर है ना आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन? Yes, sir. ओके ठीक है cool. वहाँ पे ऑप्शन ही इनकरेक्ट दे रखे, ठीक है नेक्स्ट कौन सा, आपने 166 भी लिखा है शायद, राइट? Yes, sir. ओके ठीक है शिवम आप भी अनम्यूट कर लो और गाइस क्वेश्चन नंबर 166 चेक करो सभी, टेंजेंट टू द सर्कल, ओके ठीक है ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये आपका एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर ओरिजिनल रेडियस ए है, आप बेसिकली यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो जो मान लो एक्स एक्सिस को, अच्छा कैसे ट्राई किया ये क्वेश्चन उन्नति? सर ट्राई हुआ ही नहीं मुझे सर। चलेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तो मैंने क्या किया सर्कल के कोई एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मान लो वो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे मीट कर रहा है, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे मीट कर रहा है, अच्छा ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं, ये ध्यान में आ रहा है सर्कल के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो है ना, तो वो सभी टेंजेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जहाँ पे मीट कर रहे हैं उसका आपने मिड पॉइंट फाइंड किया और उस मिड पॉइंट का बेसिकली आपको लोकस चाहिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके तो अब देखो जो भी पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है हम तो क्या करते हैं उसको एच कॉमा की एज्यूम कर लेते हैं, तो मतलब मैं मेथड क्या सोच रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ, मैं क्या करता हूँ टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करूंगा, मतलब ये लाइन ए बी का इक्वेशन मैं फाइंड कर लूंगा, अगर लाइन ए बी का इक्वेशन आ गया, नाउ सिंस दिस लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सिंस दिस लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल इट शुड सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, यस यस पता है कंसेप्ट पता है उन्नति? यस सर। ओके तो मुझे ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो मैं टू पॉइंट फॉर्म से या इवन इंटरसेप्ट फॉर्म से मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ, तो मुझे आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो क्या क्या आएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है ये पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आएगा क्या? यस सर। यस सर। k/2 x1 मान लो k k हां तो 0 + x1/2 = h, तो क्या x1 2h आ जाएगा? हां 2h। सिमिलरली यहाँ पे क्या 2 के आ जाएगा? यस सर। ठीक है तो क्या मैं लाइन ए बी का इक्वेशन ऐसा लिख सकता हूँ x/2h
प्लस वाई बाय टू के इक्वल टू जीरो, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लिया, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जो भी, ध्यान में आ रहा है ये? नाउ सी, अच्छा वन को इस साइड लाके लिख देता हूँ, तो x बाय टू एक्स प्लस वाई बाय टू के माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये मेरे लाइन का इक्वेशन आ गया। नाउ सिंस दिस लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल, इट शुड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दैट इज सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा लाइन का, उसको भी सी एम बोल रहा हूँ, दैट शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो अब सी एम जो है तो सेंटर, सेंटर क्या है, जीरो कॉमा जीरो, तो जीरो कॉमा जीरो से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, तो आप जीरो रखोगे, जीरो जीरो, तो बेसिकली माइनस वन मॉड डिवाइड बाय रूट ऑफ वन बाय टू एच का स्क्वायर प्लस वन बाय टू के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, ठीक है, वैसे मतलब ए तो रेडियस तो मॉड है, वैसे नीचे उन्होंने ए पॉजिटिव दिया, ए भी ले सकते हो आप, ए लिख सकते हो, मतलब ए पॉजिटिव दिया था, है ना, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने क्या किया, लाइन ए बी का टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लिया, और क्योंकि ये लाइन सर्कल को टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज कर लिया, अब काम खत्म हो गया, ए तो क्वेश्चन में दे रखा है और एच और के में इक्वेशन आ गया, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, एच को एक्स और के को वाई से रिप्लेस करना है, तो पहले तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, वन बाय वन प्लस फोर एच स्क्वायर प्लस वन बाय फोर के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब रेसिप्रोकल ले लो, या ए स्क्वायर को इधर लेके चल जाओ, ये टर्म उधर लेके चल जाओ, तो क्या आ जाएगा, वन बाय फोर एच स्क्वायर प्लस वन बाय फोर के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फोर को कॉमन लेके उधर सेंड कर सकते हो, तो बेसिकली, और एच को एक्स से रिप्लेस कर दिया, के को वाई से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है सर, वन अपॉन ए स्क्वायर होगा ना, वन अपॉन उन्नति शिवम, सर को 168 में भी डाउट था, 168 में भी डाउट है, ओके वो भी चेक कर लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 168 चेक करो सभी, ओके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर्कल दे रखा है और लाइन का स्लोप दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और आपको टेंजेंट का स्लोप दे रखा है, टेंजेंट का स्लोप कितना है, टेन 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री दिया ना, ठीक है ओके, जस्ट ऐसा करें, हाँ टेन 60 डिग्री, तो अच्छा टेन 60 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री, ठीक है, तो आपका स्लोप आ गया यहाँ पे रूट थ्री, टेन 60 डिग्री और ये हो गया रूट थ्री। अब आपको पता है कोई भी लाइन जिसका आपको स्लोप, मतलब स्लोप एम है और ये सर्कल को टेंजेंट है, उसका जो इक्वेशन है टेंजेंट का क्या आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, ओके okay. तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट थ्री एक्स प्लस माइनस, रेडियस कितना है 5, रूट वन प्लस एम स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर 3 आ गया, तो 1 प्लस 3 4, उसका रूट 2 आ गया, तो y इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस माइनस 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर है, एक सेकंड चेक कर लो, ये दिया है क्या आंसर, y प्लस माइनस फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, पर पीछे आंसर आंसर की मैं डी दिया है, इससे तो मेरा चेक कर लो, एक बार फिर से चेक कर लो, 168 का आंसर चेक कर लो एक बार, आंसर मेरा भी यही है सर, पर पीछे जो आंसर की है ना, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक कर लो ना, देखो कभी कभार पीछे गलत भी दिया हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है हमने कुछ गलत सॉल्व किया हो एक बार, नहीं तो फिर से सॉल्व कर लेते, पहले एक बार बस आंसर की में वेरीफाई कर लो फिर से कि डी दिया है, नहीं मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे तो 168 का ए दिख रहा है यहाँ पे आंसर, ए दिख रहा है, हाँ चेक करो फिर से आप एक बार आंसर, अच्छा हाँ दिखा यही है सर,
ठीक है ओके कूल। तो गाइज एक बार सर्कल का ये जो सेट है फिर से चेक कर लो, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 161 टू क्वेश्चन नंबर 169। कोई डाउट आपको? ओके जस्ट अ सेकंड। 163 में डाउट आ रहा है गाइज, क्वेश्चन नंबर 163 चेक करो आप। यश कैन यू रेज योर हैंड। ओके अनम्यूट कर लो यश। यस सर। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 163, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दिया है बताओ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस। सर मेरे पास अभी शीट प्लस। ओके ठीक है मैं लिख देता हूँ। ठीक है एक टेंजेंट दे रखा है जिसका इक्वेशन ये है, ये दे रखा है ठीक है। ठीक है मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन फिर से। तो एक टेंजेंट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट, ओके एम बिलोंग्स टू आर इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, और ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ओके तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्रॉपरली, मतलब ऑप्शंस कुछ ऐसे है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस टाइप के ऑप्शन है हर एक। ठीक है आपको फाइंड करना है ये लाइन जो है टेंजेंट कौन से सर्कल को है। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा, फोर को कॉमन ले लो और टू बाहर ले सकते हाँ, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस आर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। हाँ ये आपका रेडियस हो गया, रेडियस मिल गया। हाँ तो ये कौन से सर्कल को टच करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर। अच्छा ओके है ना। हाँ चेक कर लो ये आंसर एक बार, मतलब ये तो क्या एक ही स्टेप का है। हाँ, ठीक है चलो। और 164 में भी डाउट है, 164 अभी बोला ना, 164 जो है वो सबसे पहले तो 164 वाला क्वेश्चन 168 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था प्रीवियस क्लास में, उसी टाइप का क्वेश्चन 164 है। तो आप पहले क्या करो, 160 वाला क्वेश्चन वेरीफाई करो, हमारा जो डाउट सेशन हुआ है उसमें। ठीक है सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है कि वो क्वेश्चन में ऑप्शन करेक्ट दिए थे, क्वेश्चन में ऑप्शन इनकरेक्ट है। अच्छा या उसमें भी इनकरेक्ट दिए थे मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है बट हमने हाँ वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, और एक तरीके से नहीं एक ज्यादा तरीके से सॉल्व किया था क्वेश्चन, मुझे ये भी याद आ रहा है। तो आप क्या करो, प्रीवियस जो डाउट सेशन है सर्कल का वो आप चेक करो, उसमें क्वेश्चन नंबर 160 हमने सॉल्व किया है उसको आप देखो, फिर आप 164 ट्राई करो। ऑब्वियसली ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, आप ट्राई करो। हाँ मेथड अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो मुझे आप बोलना, अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डाउट सेशन में आप बोल देना, क्योंकि यही अकाउंट पे अभी नेक्स्ट भी सेशन है तो हमें ये क्लोज करना होगा, है ना 6 o'clock के ऊपर हो चुका है। बट आप डेफिनेटली वो ट्राई करना। ठीक है सर एक बार 160 और 160 बोथ को कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, वो जो सर्कल का प्रीवियस डाउट सेशन है उसमें वो क्वेश्चन आप एक बार देखो, 160 वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो लास्ट के 15 मिनट्स अगर आप चेक करोगे 10 to 15 minutes तो आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन, उसको आप देखो उसको आप समझो वो मेथड से जो ट्राई किया, वो समझने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 164 आप ट्राई करो। अगर नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत जाती है तो मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट डाउट सेशन। ठीक है कूल ओके। और कभी कभार नहीं क्या ज्योमेट्री से भी ट्राई कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन को हर बार मेथड से नहीं, कभी कभार डायग्राम ड्रॉ करके भी आपको क्वेश्चन आसान जा सकता है। ओके फिर हुआ, अभी आप बोलो क्या बोलो सर एक बार वो 166 फिर से एक्सप्लेन करो ना, मेरे को ऐसा ढंग से नहीं समझा। 166 ठीक है, 166 में क्या बोला, एक लाइन सर्कल को टेंजेंट है, मतलब और आपने नहीं किया वो लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, अब उस मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना। ठीक है अब लाइन तो डिफरेंट, मतलब टेंजेंट तो डिफरेंट आ सकते हैं ना सर्कल के, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करोगे सेपरेट सेपरेट टेंजेंट आएंगे। ठीक है और वो टेंजेंट फिर नहीं क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अलग अलग पॉइंट पे कट करेंगे, उसका मिड पॉइंट भी अलग अलग आते जाएगा, तो बेसिकली एक लोकस बन जाएगा पॉइंट का, तो उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है वो जो भी कर्व बन रहा होगा। ओके तो क्या हुआ, मिड पॉइंट को तो एच कॉमा के बोल दिया। अब मेरा एम ये है कि अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट आ गए तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा लाइन ए बी का। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, मैंने ए एक्स सॉरी पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे लाया करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, जीरो होगा। यस तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स वन बोल दिया। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट बी वाई एक्सिस पे लाया करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ठीक है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया, तो जीरो मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, जीरो प्लस एक्स वन अपॉन टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। हाँ तो फिर टू एच आ गया, एक्स वन कितना आ गया, टू एच आ गया, टू एच। हाँ
सिमिलरली y1 कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा, 2k आ जाएगा, ठीक है। फिर ये लाइन का इक्वेशन लिख दिया मैंने, अच्छा ठीक है, लाइन AB का इक्वेशन आ गया। अब क्योंकि ये लाइन सर्कल को टेंजेंट है, तो आपको पता है कोई भी लाइन अगर एक सर्कल को टेंजेंट होती है तो उसका वो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। हाँ, करेक्ट। तो वो यूज कर लिया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का कांसेप्ट यूज कर लिया। सेंटर क्या है, 0,0। तो ये पॉइंट जो है 0,0, उसका डिस्टेंस फाइंड किया ये लाइन से और उसको इक्वल टू रेडियस कर दिया, इतना हो गया। इसके बाद बस, इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है, स्क्वायर कर दिया और रेसिप्रोकल ले लिया और तो सिंप्लीफाई किया, आंसर आया। अच्छा, ओके ओके, यस, थैंक यू सर। ओके गाइज, आई लेट्स एंड दिस सेशन हियर। सर्कल में और कोई डाउट है आपको, फ्रॉम 161 टू 169? ओके कूल। तो हमारे सर्कल के जो क्वेश्चंस थे होमवर्क के लिए वो सब हमने डिस्कस कर लिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चंस थे जो आपको होमवर्क के लिए दिए थे वो भी हमने सब डिस्कस कर लिए। ओके ठीक है, बाय गाइज, बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय।